सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में मुफादयामा केसेस की समाअत जारी। साबिक सदर जस्टिस रिटायर्ड रफीक तारड़ से सरकारी रिहाइश का खाली कराने का मामला, अदालत ने सरकारी घर खाली करने का नोटिस वापस लेने की बुनियाद पर दरख्वास्त निपटा दी। इस हवाले से मजीद जानेंगे मोहम्मद इशफाक से। जी मोहम्मद इशफाक, आगाह कीजिएगा तफसीलात से। जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत की जानिब से साबिक सदर पाकिस्तान रफीक तारड़ से सरकारी घर खाली करवाने के लिए उनको नोटिस भिजवाया गया था, जिसके खिलाफ उन्होंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को दरख्वास्त दी। तो दरख्वास्त में कहा गया था कि साबिक सदर से घर खाली करवाना गैर कानूनी इकदाम है और इस हवाले से पंजाब हुकूमत ने कायदे जवाबत भी पूरे नहीं किए। तो आज जब चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में दो रुकनी बेंच ने समाअत की, तो एडवोकेट जनरल पंजाब ने अदालत में ये इस्तदआ की कि उन्होंने साबिक सदर से घर खाली करवाने का नोटिस वापस ले लिया है और उस हवाले से जो नोटिफिकेशन भी जारी किया गया था वो भी वापस ले लिया गया है, लिहाजा भी इनसे घर खाली नहीं करवाया जा रहा। जिसके बाद चीफ जस्टिस ने पाकिस्तान दायर दरख्वास्त निपटा दी।